अडानी को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस पूरे देश में केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर अपने मित्रों को बचाकर देश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। शिमला में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि अडानी ने करोड़ों रुपए बैंकों से लोन लेकर जनता का जमा पैसा डुबा दिया है। दुनिया में अमीरों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई, लेकिन केंद्र सरकार वहां भी अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, जो शर्मनाक है। अडानी के शेयर गिरने से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है, लेकिन सरकार अडानी को बचाने में लगी है। 24 जनवरी के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मित्र अडानी हैं, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई उसमें साफ चीजें जाहिर हुई, उसके बाद शेयर मार्केट में जिस प्रकार से लोगों के अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, आज हालात ये है कि अडानी जो 2009 में 57,000 करोड़ का मालिक था, वो 2023 में जो है 19,50,000 करोड़ का मालिक बन गया। और आज परिस्थितियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या हो गई, क्या आज उनकी संपत्ति, आज की बात करूं मैं तो केवल 7,50,000 करोड़ रुपया रह गई, 11,50,000 करोड़ रुपया डूब गया। इसको लेके कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेके सरकार से और प्रधानमंत्री जी से मांग करते रहे पार्लियामेंट के अंदर भी कि आप इस पे JPC बैठाएं, जांच बैठाएं, जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा, चाहे LIC है, चाहे बैंक है, SIB है, SBI है या दूसरे बैंक है, या लोगों का शेयर मार्केट में जो पैसा लगा, 11,50,000 करोड़ रुपया डूब गया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, भारत सरकार और प्रधानमंत्री जांच कराने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया। अल्टीमेटली ये PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और वहां सरकार डिफेंड कर रही है अडानी को कि हम एक ऐसी टीम बनाते हैं जांच के लिए, ऐसे नाम देते हैं जो बंद लिफाफे में होंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये जांच थोड़ी होगी, इसमें तो पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। आप बंद लिफाफे में जो नाम दे रहे हैं वो तो सरकारी जांच बन के रह जाएगी। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, SEBI है, ED है, इनकम टैक्स है, CBI है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन एजेंसीज ने क्या किया, या देश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अडानी को बचाने में क्यों लगे हुए। कांग्रेस पार्टी और देश की जनता ये जानना चाहती कि इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको लेके हम पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोगों का अधिकार है जानने का, जिनका पैसा लगा है सभी बैंकों में, LIC में 40-40 करोड़ लोगों का विश्वास है, उनका पैसा डूब गया, तो उनको जानने का अधिकार है कि उसके पीछे क्या कारण थे, ये मित्र क्यों इतने रिच बने इतने कम समय में, जो दुनिया के दूसरे नंबर के रिच बने थे और आज गिर के ये 26वें नंबर पे आ गए, और इनकी दौलत इतनी तेजी से बढ़ी थी और इतनी तेजी से गिरी है, और देश के लोगों का पैसा इसमें बर्बाद हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, पूरे देश के अंदर लड़ेगी कि इसमें जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने जा रहे अधिवेशन को लेकर कहा कि सम्मेलन में आगामी राज्यों और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में देश भर से कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, अध्यक्ष शामिल हो रही हैं। पार्टी भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए रोड मैप, 3 दिन का जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत लोगों को इन्वॉल्व करके, आप ये माने कि AICC के जो डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स होते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, और देश का जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैन लोग हैं, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बड़ा मैराथन आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा प्लानिंग आने वाले समय की कांग्रेस पार्टी किस तरह से, चाहे वो राज्यों के चुनाव होंगे या पार्टी का चलाने की बात होगी या आने वाला लोकसभा का 24 का चुनाव होगा, इन बातों को लेके एक पूरी रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी अपनी तैयार करती है। उसके अलावा जो कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटीज होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का लोगों को चुना जाएगा, वो बनाई जाएगी, और दूसरी कमेटियां हैं उसका फॉर्मेशन किया जाएगा, और वहां सभी क्रीम ऑफ द कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर से इस अधिवेशन में भाग लेने वाली है।
और इसके जरिए एक पूरा रोड मैप अगला कांग्रेस पार्टी तैयार करती है कि 4-5 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेके देश के लोगों के किन मुद्दों को उठाएगी, किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक मुद्दे होंगे और उसके अलावा समाज से और देश के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा होती है।